वायरस के ब्लास्ट के दौर में महाराष्ट्र में पाबंदियों के आखिरी दरवाजे भी खोले जाने को तैयार हैं। अनलॉक के तहत निजी दफ्तर, दुकानें, बाजार पहले ही खोले जा चुके हैं। जिम और सैलून पर अब तक ताला था, लेकिन उद्धव सरकार ने इस ताले में भी चाबी घुमा दी है और जल्द ही जिम और सैलून के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज ही उद्धव कैबिनेट बैठक में सैलून जिम को खोलने पर मुहर लगा दी गई। जिम सैलून के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। 28 जून से नियम और शर्तों के तहत जिम सैलून खुल सकेंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 28 तारीख से ये सैलून जो है वो शुरू करेंगे। नाभिक समाज को केस काटने के लिए परवानगी देंगे और विशेष रूप से ये जो परवानगी होगी इसके लिए कुछ शर्त भी होगी, कुछ उसमें इनको पालन करना पड़ेगा। मुंबई में जिम और फिटनेस सेक्टर से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। लॉकडाउन की मार से पहले ही इस सेक्टर की कमर टूट चुकी है, लेकिन अनलॉक में भी जिम और सैलून पर पाबंदी जारी रहने से इससे जुड़े लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। आखिरकार उद्धव सरकार ने इनकी भी सुन ली, लेकिन कोरोना के रास्ते जब सारे बैरियर हटाए जाने की तैयारी है, तब वायरस की रफ्तार कैसी है ये भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में गुरुवार को 4,841 नए मामलों के साथ सारे रिकॉर्ड टूट गए। गुरुवार को मौत का आंकड़ा 192 रहा, हालांकि इसमें पहले हुई 83 मौतें भी शामिल हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के मामले 147,741 तक पहुंच गए हैं। हालांकि मुंबई में 1,350 नए मरीजों के साथ संक्रमण की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से करीब करीब स्थिर बनी हुई है। मई के महीने में मुंबई में केस दोगुने का वक्त 11 दिन था, जो अब 33 दिन पर आ चुका है। मुंबई में अभी आंकड़े थोड़े बेटर है। मुंबई का जो डबलिंग रेट मई महीने के पहले अराउंड जो 10-11 था, वो अभी बढ़ के 30 से ऊपर चला गया है। 32-33 तक उनका डबलिंग रेट आ गए और काफ़ी ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहाँ पे डबलिंग रेट अभी 40-45 के ऊपर चला गया है और ओवरऑल जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, ओवरऑल डेथ रेट कम हो रहे हैं, तो मुंबई की जो कर्व है वो थोड़े फ्लैटन होके प्लेटू होने के दिशा में दिख रहे हैं। आंकड़ों से दिखती राहत मुंबई के जनजीवन में भी दिखने लगी है। गुरुवार को अभिनेता अभिषेक बच्चन और ग्रीक एक्ट्रेस गैब्रियला मुंबई की सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन जिम और पार्लर खुलने के बाद मुंबई के आंकड़े क्या तस्वीर दिखाएंगे ये देखना अभी बाकी है। मुंबई से कमलेश सुतार और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।